गहरी सांस लीजिए। ले ली, छोड़िए, छोड़ दी। रानी साहिबा, सांस नहीं, बोलना छोड़िए। योग के बीच में बोलते नहीं है। चलिए फिर से गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब तो हमने कुछ भी नहीं बोला। रानी साहिबा, बोलना नहीं, सांस छोड़िए। रहने दीजिए उर्वशी, आपसे नहीं होगा ये योग। वो कभी बोलती हो सांस छोड़िए, कभी बोलती हो बोलना छोड़िए। रहने दीजिए, रहने दीजिए। उर्वशी जी, रानी साहिबा, क्या आप हमें जरा बता सकती हैं कि आपने अपनी खालाजात बहन के शौहर को हमारी रियासत के किसी इलाके का जागीरदार बनाया है? क्या 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 खाली जात तराई, ये सब कौन है? रुकिए रुकिए रानी साहिबा, रुकिए, हम समझाते हैं। क्या आपने अपनी मौसी की बेटी के पति को हमारी रियासत के किसी भी इलाके का जागीरदार बनाया है? हाँ, तो उसमें क्या है, हम किसी को कोई छोटे से इलाके का जागीरदार नहीं बना सकते जहाँ पे ना। रानी साहिबा, सवाल ये नहीं है कि आप बना सकती हैं या नहीं बना सकती है। सवाल ये है कि अगर आपने ऐसा किया है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे जहाँ बना, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो हमने इतनी छोटी सी बात आपसे नहीं बताई? पहाड़ नहीं टूटा है रानी साहिबा, लेकिन हमारा गुरूर जरूर टूट गया। हमें इस बात का गुरूर था कि हम और आप एक दूसरे को अपनी हर छोटी हर बड़ी बात बताते हैं। रानी साहिबा, सिर्फ दो, दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जिनके साथ हम अपनी हर बात कर सकते हैं, अपनी छोटी बड़ी सारी बातें कह सकते हैं और कहते हैं। वो है आप और बीरबल। रानी साहिबा, आज आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। बीरबल, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा गुरूर इस तरह कभी तोड़ेंगे नहीं। जहां बना हमारी बात। रानी साहिबा, सफाई की दलीलों में वो जर्फ नहीं जो टूटे हुए भरोसे को जोड़ते। जहां बना, ओ जहां बना, ये जर्फ कौन है बताते जाइए। ऋषि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपके और हमारी मोहब्बत के बारे में जहां बना को बता देना चाहिए था। राज नहीं रखना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि हम आपसे प्यार करते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं आपसे कि जहां बनाओ और पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हम दोनों के बीच में क्या है। लेकिन आप है ना कि आजकल आजकल करते करते अब तक नहीं बताया, बता दीजिए ना। हम आपसे बात कर रहे हैं, कब बताएंगे आप जहां बना को? बता देंगे उर्वशी, आजकल मैं बता देंगे। ये आजकल आजकल करते करते कितने साल बीत गए। अगर आज शाम तक आपने जहां पना को नहीं बताया ना, तो हम जाकर जहां पना को बता देंगे कि हम और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वाह बीरबल जी वाह, जहां पना आपसे अपनी छोटी सी छोटी बात बताते रहे और आपने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जहां पना के अदब में इस कदीम का बाद अब सलाम। आइए आइए मुल्ला जी आइए। जहां पना, ये मोहतरमा अपना नाम कामिनी बताती हैं और इनका दावा यह है कि इनके पास कोई ऐसी चीज है जिसके बदले में ये आपसे आधा हिंदुस्तान मांग सकती है। क्या हम जान सकते हैं लड़की, आपके पास ऐसी क्या चीज है? ये आपके पास कैसे आई? ये तो हमारे मरहूम अब्बा हुजूर की अंगूठी है। ये तो वही अंगूठी है जो हमारे मरहूम अब्बा हुजूर ने करमवीर नाम के सिपाही को दी थी। करमवीर ने हमारे अब्बा हुजूर को दुश्मनों की कैद से बचाया था और कहा था कि ये अंगूठी मुगलिया सल्तनत की किसी भी बादशाह को ले जाकर दिखा देना और जो मन में आए वो मांग लेना।
यही वचन दिया था आपके वालिद ने हमारे पिताजी को। अगर आप करमवीर की बेटी हैं तो आपको पूरा का पूरा हक है, आप जो चाहे हमसे मांग सकती हैं, और आपकी ख्वाहिश हम अपनी जान देकर भी पूरी करेंगे। गुस्ताखी की माफी चाहेंगे जहां पना, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मोहतरमा आपसे आपकी मुगलिया सल्तनत ही छीन सकती है, और हम देने में हिचकिचाएंगे भी नहीं मुल्ला जी, क्योंकि यहाँ सवाल मुगलिया सल्तनत की जुबान का है। बोलो लड़की, क्या चाहिए आप? जहां पना, मुझे आपका तख्त और ताज नहीं चाहिए जी, मैं तो बीरबल से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। जहाँ पना, फौरन तैयार हो जाइए, हम सस्ते में छूट रहे हैं, फौरन तैयार हो जाइए। ये लड़की आपसे आपका हिंदुस्तान मांग सकती है। देखिये मोहतरमा, जहां तक हमारी जानकारी है बीरबल का कोई प्यार मोहब्बत का मामला चल तो नहीं रहा है, तो इसीलिए हमें 100% पूरा यकीन है हमारे कहने पर वो आपसे शादी जरूर करेंगे। लेकिन एक बार हम उनकी राय भी जानना चाहते हैं, हमें हमें आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। तब तक मुल्ला जी, ये लड़की हमारी शाही मेहमान है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चुको मित्र बीरबल, अब क्यों छुपा रहे हैं अपने प्रेम की कहानी? दुनिया को बताने में अब क्या है परेशानी? मित्र तानसेन, हमें अपने और उर्वशी के बारे में दुनिया को बताने में कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो इस बात की है कि जब जहां पना को हमारे बारे में पता चलेगा और जहां पना हमसे पूछेंगे कि इतने सालों तक हमने अपनी और उर्वशी की प्रेम कहानी उनसे क्यों छुपाई, तो क्या जवाब देंगे हम? और उससे बड़ी परेशानी यह है कि 3-4 दिन में उर्वशी के माता पिता और हमारे माता पिता हमारा रिश्ता पक्का कर देंगे और जहां पना को वैसे ही पता चल जाएगा। मित्र तानसेन, किसी ना किसी तरह उससे पहले हमें जहां पना तक ये बात पहुंचानी होगी। मित्र तानसेन, एक रास्ता है, अगर जहां पना खुद अपनी तरफ से उर्वशी और हमारे रिश्ते की बात हमसे करे तो जहां पना को ऐसा लगेगा कि उर्वशी और हमारा रिश्ता उन्होंने करवाया। शादी के बाद हम आहिस्ते आहिस्ते जहां पना को अपने और उर्वशी की प्रेम कहानी के बारे में बता देंगे। तब तक हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि जहां पना आए और आपसे आपके और उर्वशी के रिश्ते के बारे में बात करें? अरे नहीं मित्र तानसेन, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कोई मित्र जहां पना के पास जाए और हमारे और उर्वशी की शादी की बात जहां पना से करे। कौन? अरे मित्र तानसेन, आप। हमारी और उर्वशी की प्रेम कहानी सिर्फ आप जानते हैं ना। मित्र बीरबल, तो हम अभी दौड़कर जहां पना के पास जाते हैं और जहां पना को आपके रिश्ते की बात समझाते हैं। अरे मित्र तानसेन, मित्र तानसेन, यूं जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए योजना बनाकर जाइए। हे भगवान, सब ठीक कर देना। हो जाएगा वत्स। भगवान आप? अरे भगवान मैं। अरे जापना, आपने क्यों तकलीफ की, हमें बुला लिया होता। बैठिए बैठिए बीरबल। देखिए यहाँ वहां की बातें करके हम वक्त जाया नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए क्या होता है कि शादी की एक मकूल उम्र होती है जिसे आप पार किए जा रहे हैं, तो इस शादी के बारे में क्या कुछ सोचा है आपने? वाह मित्र तानसेन, वाह, इतनी जल्दी आपने हमारी और उर्वशी की शादी की बात जहां पना के दिमाग में डाल दी। ये क्या होता है बीरबल, इसका हम क्या मतलब समझे? अब जापना, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शादी तो सबको करनी पड़ती है, हम भी करेंगे ना। नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है बीरबल, लेकिन शादी करने के लिए एक अदद लड़की की जरूरत होती है, तो ऐसी कोई लड़की है आपके जहन में? जापना आप है ना। हम लड़की नहीं है। अरे जापना, हमारा वो मतलब नहीं था, हमारा मतलब था कि आप ढूंढेंगे ना हमारे लिए लड़की। हाँ वो तो बीरबल, एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत भी है और साथ में आपसे बेइंतहा मोहब्बत भी करती है। हमें पता है। क्या?
नहीं, क्या क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि हमारा हमेशा मानना है कि इंसान को शादी उस लड़की से करनी चाहिए जो आपसे बहुत मोहब्बत करती हो, उससे नहीं जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, क्योंकि फिर आप ही मोहब्बत करते रह जाएंगे और वो तो सामने से। चलिए खैर, इन बातों को छोड़िए, तो आप कहें तो इस लड़की से हम आपकी बात चलाएं। जामना क्यों नहीं, बिल्कुल। बीरबल, हम पर इतना भरोसा करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लड़की से एक बार मिलना चाहेंगे? अरे नहीं जापना, हम मिलके क्या करेंगे? आपने लड़की देखी तो अच्छी होगी, वैसे आप हमारे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी ना करेंगे। ये तो है, तो आपकी तरफ से हम उसे जुबान दे दें? अरे बिल्कुल दे दीजिए जापना, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। बहुत खूब बीरबल, तो अब कल किया जाएगा आपकी शादी का ऐलान। राजा दरबान, हमारे मित्र तानसेन नजर नहीं आ रहे। राजा बीरबल, तानसेन जी को तो रानी साहिबा ने कल ही मथुरा भेजा है। लगता है हमारी शादी की खुशी में मथुरा के पेड़े लाने गए मित्र तानसेन। बादब बा मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, होठों में ऐसी बात दबाते हुए, दिल में एक खुशखबर छुपाते हुए पधार रहे हैं। तशरीफ मत रखिए, आज हम कहना तो चाहते हैं कि दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन आज हम ऐसा कहेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक बहुत जरूरी ऐलान करना है हमें। आज हम अपने लगते जिगर की शादी तय कर रहे हैं। अब्बा हुजूर, हमारा निकाह? आपका नहीं, हम बीरबल का निकाह तय कर रहे हैं। आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी, आज हम हमारे लगते जिगर बीरबल की शादी एक बहुत ही खूबसूरत होनहार लड़की से तय करते हैं, और उस लड़की का नाम है कामिनी। आइए आइए कामिनी, आइए। बीरबल, कामिनी, कामिनी, बीरबल, बीरबल, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कब से हम आपकी शादी का इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं बीरबल? नहीं जापना, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो बस ये शादी तय रही, शादी की तैयारियां शुरू की जाए। हमारे पिताजी को अपने पिताजी के पास भेजा हमारी शादी की बात करने के लिए, और यहां आपने किसी और लड़की से अपनी शादी की बात तय कर ली है। ऋषि, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कभी कुछ समझ में नहीं आया और ना ही आएगा। हम जा रहे हैं जहां पर आपको सब कुछ बताने के लिए। अरे नहीं यार, ये भी ऋषि, आप जहां पाना को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? क्या हम यहाँ चुपचाप खड़े हैं और आपकी शादी उस दूसरी लड़की से होते हुए देखें? ऋषि, और कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी भी वजह से हमारी शादी टूट जाती है तो जापना का वचन टूट जाएगा और इतिहास जापना को वचन तोड़ने वाला बादशाह कहेगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हम जापना का वचन नहीं तोड़ेंगे। चाहे क्या? चाहे उसके लिए हमें अपने प्यार की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े।
क्या दीदे फाड़ फाड़ के कुंडली देख रहे हैं पंडित जी? बीरबल और कामिनी की शादी का शुभ से शुभ मुहूर्त निकालिए, जल्द से जल्द निकालिए, दो दिन के अंदर निकालिए, वरना तरीचे शक। नहीं नहीं हुजूर, आप एक कैसी बात कर रहे हैं, हम निकालते हैं ना मुहूर्त, दो दिन बाद का ही मुहूर्त निकालेंगे और शुभ मुहूर्त निकालेंगे हुजूर। अरे आप बैठिए, आप इत्मीनान से कुंडली देखिए, कोई जल्दी नहीं है। तो क्या हम जहां पना से जाकर कह दें कि बीरबल और कामिनी की शादी का शुभ मुहूर्त दो दिन के बाद का निकला है? हाँ हाँ हुजूर, अवश्य कह दीजिए, अवश्य कह दीजिए। देखिए देखिए कुंडली, हाँ। देखिए कुंडली देखिए। तरीचे शक। बस तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये वक्त क्यों जाया कर रहे हैं आप? आइए वहां पर, दूसरे मेहमान आए उनको ले आइए। हम कैसे दिख रहे हैं? आपको कौन देख रहा है? आप दरबार में भूल गए क्या? हमें ये बताइए कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में जो वरमाला डालते हैं वो कहाँ है? भूल गए, अभी लेकर आते हैं। अभी जाइए। मित्र बीरबल, ये क्या करने जा रहे हैं, मत कीजिए। मित्र तानसेन, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपने जहांपनाह को बता दिया होता तो। जहांपनाह को बताने जाए उससे पहले रानी साहिबा ने हमें मथुरा भेज दिया। खैर अब तो हम सही वक्त पे आ गए हैं, जहांपनाह से अभी बात करते हैं। नहीं नहीं मित्र तानसेन, अब बहुत देर हो चुकी है। पर जनाब बीरबल जी, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या जज रहे हैं बीरबल मियां, वाह, किसी की नजर ना लगे। वर वधू मंडप में आ जाए। चलिए चलिए आ जाइए बीरबल जी। आइए आइए बीरबल जी, आइए। वर यहाँ स्थान ग्रहण करेगा और वधू वहां। क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जापना, हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। चलिए बहुत बढ़िया। जहांपनाह, शुभ मुहूर्त की शुभ घड़ी निकट आ रही है, अब आप विवाह कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दीजिए। अनुमति है, आप आरंभ कीजिए। ओम पवित्र पवित्र हाथ में पुष्प लीजिए। ओम सुमकश्चय दंतश्चय कपिलो गज करण का लंबोदरश्च विक्षो विघ्न नाथो विनायक। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम श्रीमत पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो अनलश्चंद्रो। ओम लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुराधनवंतरि। कल हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह है। आप लड़कियों को क्या क्या याद रहता है? अरे ऐसे कैसे याद नहीं रहेगा, हमारे लिए ये सालगिरह शादी की सालगिरह से भी बढ़कर है। उनसे शादी करनी है ना तो हमारे पिताजी से बात कीजिए और हमारा हाथ मांगिए। हमने आपसे प्यार किया और ये कोई गलती नहीं, हमारी शादी होगी और जरूर होगी। अब वर के दाहिने हाथ में कन्या अपना दाहिना हाथ रखे। ओम ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणामपति। वाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों, जैसे दो तीतरों का जोड़ा। जहांपनाह हंसों का जोड़ा होता है। तो तीतरों का क्या होता है, तीतरों का घोड़ा होता है, उनका जोड़ा नहीं हो सकता? अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। वाह 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 वाह, कुछ ही देर में फेरे हो जाएंगे।
और बीरबल और कामिनी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कितनी कमाल की बात है ना बीरबल। बीरबल अभी भी आपके चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कोई बात हमसे करना चाह रहे हैं? कोई बात है जो आपके दिल में तिलमिला रही है, बुलबुला रही है, किलकिला रही है, टिलमिला रही है? अगर ऐसी कोई बात है तो हमसे कहिए ना बीरबल। क्या बताइए, ऐसी कोई बात है? नहीं नहीं जापना, नहीं जापना के बच्चे कब बात सच्ची बताएंगे आप हमें, आपकी शादी हो जाने के बाद? अब कौन सी बात जापना? यही बात कि आप और उर्वशी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं आप जापना? हम वही कह रहे हैं बीरबल जो हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे, जिसके लिए हमने इतना बड़ा ये खर्चा करके नाटक किया। लेकिन बीरबल आप किस मिट्टी के बने? अरे फेरे होने वाले थे लेकिन फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, आखिर में हमें ही बोलना पड़ा। उर्वशी आप इस आदमी को जाने दीजिए, आपकी पसंद ही गलत है। छोड़िए। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, छोड़ दीजिए इन्हें। अरे नहीं नहीं जापना, हमारा मतलब है हमने बिल्कुल सही आदमी से प्यार किया है। ये इंसान नहीं, देवता है देवता, और इनकी खामोशी की वजह हम जानते हैं। ये आपका वचन रखने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे थे। अरे जापना ये सब क्या हो रहा है? इतने सालों से बीरबल और उर्वशी एक दूसरे से प्यार करते और हमें कुछ भी नहीं पता, और आपको कैसे पता चल गया? ये बात हमें भी कभी पता नहीं चलती रानी साहिबा। अगर मुल्ला जी आकर हमें ये बात साफ साफ ना बताते। जहां पना आपको एक खबर सुनानी थी, सुनकर आपका दिल टूटेगा, लेकिन यकीन मानिए हमें भी बीरबल से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपसे इतनी बड़ी बात छिपाएंगे। कौन सी बात मुल्ला दो प्याजा? दरअसल जहां पना जब हम वहां गए थे, हम तो कब से कह रहे हैं आपसे कि जहां पना और पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हम दोनों के बीच में क्या है। अगर आज शाम तक आपने जहां पना को नहीं बताया ना, तो हम जाकर जहां पना को बता देंगे कि हम और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हा? क्या कह रहे हैं आप मुल्ला जी? बीरबल ने इतनी बड़ी बात इस तरह हमसे छिपा कर रखी। हम बीरबल को सबक सिखाना चाहते हैं। मुल्ला जी आप हमारे पास एक ऐसी लड़की लेकर आइए जो बीरबल से शादी करना चाहती हो। इतनी बड़ी बात को राज रखने की सजा हम बीरबल को देंगे और जरूर देंगे। जो हुकुम जापना। और फिर मुल्ला जी हमारे पास कामिनी को लेकर आए, ये नहीं जानते हुए कि कामिनी को हम ही ने मुल्ला जी के पास भेजा था। जी हाँ मुल्ला जी, कामिनी पहले से हमारी योजना का हिस्सा थी। जापना एक बात समझ में आ गई कि आपकी योजना के मुताबिक आप बीरबल और उर्वशी की शादी रुकवाना चाहते थे, ये समझ में आ गया। लेकिन मुल्ला जी, बीरबल और उर्वशी की शादी क्यों रुकवाना चाहते थे मुल्ला जी? अरे अरे नहीं 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 रानी साहिबा, जहांपना आप कुछ कहिए। रानी साहिबा दरअसल हुआ ये कि हमें जहांपना के मंसूबे के बारे में जानकारी थी, लेकिन हमें पूरा यकीन था जहांपना को जरा भी इल्म होता कि बीरबल उर्वशी से प्यार करते हैं, तो जहांपना ऐसा कभी नहीं करते कि बीरबल और उर्वशी की शादी कभी ना हो। हालांकि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो दोनों की भलाई के लिए ही करते हैं ना रानी साहिबा। और हमने तो भाई क्या जो जहांपना ने कहा, देखिए हम तो शादी करवा रहे थे। देख रहे हैं आप बीरबल, देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह हर शख्स इतनी जद्दोजहद कर रहा है ताकि आपकी और उर्वशी की मोहब्बत परवान चढ़ जाए। जहां बना हम तो कहते हैं कि यहीं इसी मंडप में बीरबल और उर्वशी की शादी होनी चाहिए। क्यों? शादी होगी मुल्ला जी, लेकिन ऐसे नहीं। बीरबल और उर्वशी की शादी हम शुभ मुहूर्त निकलवा कर
बड़े ही धूमधाम से सबकी मौजूदगी में करवाएंगे। और बीरबल, सब लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत जद्दोजहद कर ली, बहुत कोशिशें कर ली आपको और उर्वशी को एक करने की, लेकिन आप ये बात अपने मुंह से तो कहेंगे नहीं। उर्वशी भी इंतजार करती रह जाती, लेकिन आप कभी ये बात अपने मुंह से नहीं निकालते। लेकिन आज हम आपको हुक्म दे रहे हैं बीरबल, आज आपको उर्वशी से अपने प्यार का इजहार करना होगा और उनसे कहना होगा कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं। और बीरबल, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब यहीं खड़े रहेंगे, हम सबके सामने आपको अपने प्यार का इजहार करना है। वाह! अरे जाबना, भरे दरबार में सबके सामने कैसे? आपका वक्त शुरू होता है अब। हमेशा हमसे कहते रहें कि हमारे प्यार के बारे में सबको बता दीजिए, और जब आज बता भी रहे हैं तो भरे दरबार में सबके सामने जब हमारी शादी किसी और के साथ हो रही है, हमने ऐसे पहले कभी किया नहीं है। बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये हुई ना बात। आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जब हम 80 साल के होंगे और आप 75 के, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे पैर लड़खड़ाएंगे, हाथ कांप रहे होंगे और हमारे हाथ हमारी बूढ़ी सफेद मूछें घुमाने के लिए नहीं उठेंगी, तो तब क्या आप हमारे साथ खड़ी होके हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी धर्म पत्नी बनकर हमारी मूछें घुमाने में हमारी मदद करेंगे? Yeah.